जो बाकी रहा था उसे आगे लेके चलते हैं। हमारा नेशनल इनकम का टॉपिक चालू था, हमने 1, 2, 3 तीन वीडियो आपको दे दिए। तीनों वीडियो में आपका बेसिक टॉपिक जो बुक के अकॉर्डिंग चल रहा है वैसे ही है। अब आगे हमारे पास देखिए तो नेशनल इनकम का आज का वीडियो नंबर 4 है, जो पार्ट 4 के अकॉर्डिंग मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के ऊपर जाएगा। अब होगा क्या कि हमने देखा कि तीन अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग बेसिस पे आपको जो डेफिनेशंस दी थी, उन्हीं डेफिनेशन के बेसिस पे, शायद ये बात समझ लीजिए कि उन्हीं डेफिनेशंस के बेसिस पे हमारे पास ये मेथड्स बने हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अपने मार्शल की डेफिनेशन दी थी, तो मार्शल की डेफिनेशन में ये बताया था कि हमारी जो इकोनॉमी है उन इकोनॉमी को हमें सेक्टर वाइज, यानी कि वहां पर डेफिनेशन में तीन सेक्टर की बात थी, एक था एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा था इंडस्ट्रियल सेक्टर और तीसरा था सर्विस सेक्टर। इन तीनों सेक्टर का जो कोई भी प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन की क्वांटिटी वैल्यू उसे उन्होंने नेशनल इनकम कंसिडर किया था। तो उसी के बेसिस पे आपकी सबसे पहली जो मेथड है प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। तो जो एसी पिगो की या फिर इरविन फिशर की या फिर अपने मार्शल की डेफिनेशन है, उन्हीं तीन डेफिनेशन के बेसिस पे तीन मेथड्स बनी है, राइट। सो सबसे पहले मार्शल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में ये पहली प्रोडक्शन मेथड आगे जाएंगे। प्रोडक्शन मेथड में होगा क्या कि आपको सबसे पहले लिखा है क्लासिफिकेशन। ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट इकोनॉमी इन डिफरेंट सेक्टर्स। अब सेक्टर कौन कौन से है, तो बेसिक आपको ये पता है कि एग्रीकल्चर है, जैसे कि आपने लिखा है एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विस है, एक और बनता है मान लीजिए कि बैंकिंग है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, राइट। सो देर आर वेरियस अदर सेक्टर्स दे हैड डिजाइन, इन्होंने इकोनॉमी को, पूरी इकोनॉमी को छोटे छोटे सेक्टर्स में क्या किया है, डिवाइड किया है, और उन सारे सेक्टर्स की प्रोडक्शन वैल्यू, आई रिपीट, प्रोडक्शन वैल्यू उन्होंने काउंट की है और उसका समेशन जो बनेगा दैट इज व्हाट द नेशनल इनकम एज पर द प्रोडक्शन मेथड। देखिए यहां पे लिखा है कि बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, सॉरी प्रोफेसर मार्शल्स डेफिनेशन, सम ऑफ मॉनिटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सम ऑफ मॉनिटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटी में तो कभी इनकम होनी ही नहीं है। अगर आपको इनकम समझना है तो इनकम मस्ट बी इन अ रूपी फॉर्म, राइट। तो रूपी फॉर्म में जाने के लिए हमने वहां पे भी अपना, अगर फर्स्ट वीडियो देखेंगे, पार्ट वन देखेंगे, तो उसमें भी पता चलेगा कि मैंने क्या किया था, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में यहां पे लिखा था प्रोडक्शन, यहां पे लिखा था प्राइस, और बाजू में यहां पे हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, यहां पे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू एंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू। इन तीनों वैल्यू को जब हम मिलाएंगे तो इट विल बी व्हाट, रूपी फॉर्मेट में हमारी बनेगी नेशनल इनकम। ये आप मेरे सबसे पहले वीडियो में जाके देख सकते हैं, इट्स टू मच इजी। अब देखिए दूसरा यहां पे बताया है कि सिलेक्शन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। अब सिलेक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस का मतलब यहां पे क्या बनेगा कि आपको अगर प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन के बारे में जानकारी लेनी है, तो कई बार ये होता है कि जब हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में फिनिश गुड्स भी होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कॉटन है, तो कॉटन में से आपने क्लोथ्स बनाए, तो क्लोथ्स काउंट करेंगे या कॉटन काउंट करेंगे, इन दोनों में ऑप्शन जाएगा, कॉटन होगा या क्लोथ्स होंगे। तो इस ऑप्शन को आप कैसे अवॉइड करोगे या फिर कैसे टैकल करोगे, तो यहां पे ये बताया सिलेक्शन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज ओनली फाइनल प्रोडक्ट्स। यानी कि अगर हमें प्रोडक्शन मेथड में जाना है तो हमें हमेशा फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर ही ध्यान देना है। इसका मतलब ये कि वी हैव टू इग्नोर द रॉ मटेरियल या फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है, उसकी वैल्यू हमें काउंट नहीं करनी है। इसका मतलब कि जब कॉटन का प्रोडक्शन होगा तो कॉटन की वैल्यू हमें कंसिडर नहीं करनी है, बट जब कॉटन में से क्लोथ बनेगा तो क्लोथ हमें, फिनिश गुड्स अगर हमने कंसिडर किया है तो उसी की वैल्यू हमें फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर इस पर्टिकुलर मेथड में इनकम काउंट करने के लिए या मेजर करने के लिए लेनी है, राइट। सो दैट इज व्हाट द सिलेक्शन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज एंड ओनली ओनली एंड ओनली व्हाट ओनली फाइनल प्रोडक्ट विल बी कंसिडर्ड।
नेक्स्ट वन देखिए पॉइंट नंबर थ्री हमारे पास है कि सर्विस ऑफ हाउसवाइफ। देखिए हाउसवाइफ जो है अपनी मम्मी है, तो मम्मी सुबह से उठ के शाम तक आपके लिए कुछ काम करती है, चाय नाश्ता वगैरह बनाती है। होटल में अगर जाओगे ना दोस्तों, तो वहां पे उस एक प्लेट का मिनिमम 50 to 60 rupees या 100 rupees प्लस देना पड़ेगा। गुजराती थाली अगर खाने जाओगे तो भी दोस्तों मिनिमम 50 rupees से लेके मैक्सिमम 150-300 rupees तक की मिलती है। तो फिर भी अगर आपने होटल में खाना खाया तो यू आर गेटिंग और अवेलिंग द सर्विस फ्रॉम होटल बिजनेस, राइट। आप वहां पे गुड्स एज वेल एज सर्विस के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हो। तो जब हम होटल की बात करेंगे तो होटल में गुड्स और क्या दूसरी चीज सर्विस, यानी कि पूरी अगर मान लीजिए 150 rupees पर प्लेट है तो 150 rupees में पूरा गुड्स नहीं है, उसमें सर्विस का भी कॉम्पोनेंट है। फॉर एग्जाम्पल 100 rupees उन्होंने डिसाइड किया है होटल वालों ने कि हमने गुड्स का लेना है और 50 rupees सर्विस का लेना है, तो इट विल बी कंसिडर 150 चार्जेस है। अब ये चार्जेस जो है, अगर मैं फिर से रिपीट करता हूं, होटल में खाना खाने गए तो ही ये चार्जेस पे करना है। अब अगर वो चार्जेस पे किया तो वो एक कॉमर्शियल एक्टिविटी है, होटल बिजनेस, होटल इंडस्ट्री भी हम मान सकते हैं। तो होटल इंडस्ट्री का जो पेमेंट जाएगा या फिर उसे जो इनकम मिलेगी तो उसका वैल्यू यहां पे कंसिडर होगा, सही है। बट हाउसवाइफ, अब हमारी मम्मी जो है हमारे लिए रोज सुबह से लेकर शाम तक जो काम करती है उसका हम उन्हें कोई पेमेंट नहीं देते, और उनका जो प्रोडक्शन है या फिर उनके एफर्ट्स है या फिर उनकी सर्विस है उसे अगर हम तोलना चाहे मोलना चाहे तो भी हम उसकी मॉनेटरी वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। इन दैट केस हमें इस पर्टिकुलर चीज को यानी कि सर्विस और हाउसवाइफ को नेशनल इनकम के कंप्यूटेशन के लिए प्रोडक्शन मेथड में कंसिडर नहीं करना है, नॉट टू बी कंसिडर्ड, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास है यस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब होगा क्या, मान लीजिए कि एक खेत है, इस फार्म के अंदर जो मिस्टर मान लेते हैं मिस्टर कोई किशोर है, कोई मिस्टर किशोर का यह फार्म है, इन्होंने यहां पे वीट का प्रोडक्शन किया। होगा क्या, मान लीजिए कि पूरे साल में इन्होंने 2000 kg वीट का प्रोडक्शन किया, बट डू दे सेल द होल क्वांटिटी इनटू द मार्केट? द आंसर इज नो। मान लेते हैं कि इनके हाउसहोल्ड कंजम्पशन के लिए सेल्फ कंजम्पशन के लिए इन्होंने यहां से 100 kg वीट जो है वो अपने घर में रख दिए, और बाकी का जो गुड्स है यानी कि 1900 kg ये जो गुड्स है ये मार्केट में बेचा। तो यहां पे क्या होगा, मॉनिटरी वैल्यू जो है वो इस गुड्स की हमारे पास आएगी, बट इसकी मॉनिटरी वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी। तो यहां पे ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है प्रोडक्शन मेथड में कि जो प्रोडक्शन सेल्फ कंजम्पशन के लिए चला जाता है उसकी मॉनेटरी वैल्यू जो है वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन मेथड के अंदर कंसीडर नहीं होती, बट जो हिस्सा मार्केट में बिकने के लिए आता है या बेचा जाता है उसकी ही सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू हमारे पास कंसीडर होगी, यानी कि प्रोडक्शन मेथड में प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन जो है वो नॉट कंसीडर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो है डिफेंस एंड पुलिस, ये भी एक सर्विस है, बट Do we have any market of this service? No. तो डिफेंस या फिर पुलिस का कोई भी मार्केट अवेलेबल नहीं है। अगर ये मार्केट अवेलेबल नहीं है तो इस तरह की जो सर्विस है इन सर्विसेज का मार्केट वैल्यू हमारे पास नहीं होगा, और अगर मार्केट वैल्यू नहीं है तो इन्हें नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो पुलिस और डिफेंस सर्विसेज जो है उनका कोई मार्केट ना होने के कारण उनकी सर्विस के लिए कोई मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, और उसी रीजन से उसे नेशनल इनकम के कंप्यूटेशन में अंडर द प्रोडक्शन मेथड हमें कंसीडर नहीं करना। एंड द नेक्स्ट वन विच वी हैड इज द सिक्स्थ वन, इंप्यूटेड रेंट। अब इंप्यूटेड रेंट में होगा क्या, मान लीजिए कि कोई मिस्टर अमित है, अब इन अमित भाई के पास ए बी एंड सी ये तीन प्रॉपर्टी है, दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ मिस्टर अमित। ये एक मान लीजिए नडियाद में है, ये भी मान लीजिए नडियाद में है, और ये मान लीजिए बरोड़ा में है,
इन तीनों प्रॉपर्टी में क्या मिस्टर अमित अपने फैमिली के साथ रहेगा? इट्स नॉट पॉसिबल। ये भी हो सकता है संडे मंडे ट्यूजडे, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों होगा क्या, कोई भी एक प्रॉपर्टी वो अपने सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए रखेंगे। मान लीजिए कि प्रॉपर्टी ए का क्राइटेरिया ज्यादा है, इन्होंने इसे अपने सेल्फ रेसिडेंस के तौर पे डिक्लेयर कर दिया और वो यहां पे रह रहे हैं, तो इन दो प्रॉपर्टी का वो क्या करेंगे? तो ये होगी लेट आउट। लेट आउट मतलब किराए पे देना, मतलब कि यहां पे कोई रेंट जो है वो मिस्टर अमित को मिलेगा। तो ये रेंट भी एक तरह की इनकम है, या फिर ये लेट आउट प्रॉपर्टी यानी कि कोई भी अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट करना है, ये भी एक तरह की सर्विस है। सही है, जैसे कि मान लीजिए कि होटल में हम जाते हैं कमरा किराए पे लेते हैं, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज सर्विस। तो उसी तरह होटल नहीं दोस्तों, एक रूम नहीं दोस्तों, यहां पर पूरा मकान किराए पे दिया, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, सर्विस। तो इसे यहां पे हमें इनकम के तौर पे कंसीडर करना होगा। अब अगला जो टॉपिक है दैट इज व्हाट द डबल काउंटिंग, ये एक प्रॉब्लम है। दिस इज व्हाट द पिटफॉल ऑफ दिस मेथड, ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने कॉटन जो है इसका प्रोडक्शन किया, इस कॉटन से क्लोथ बनाया, तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि डू वी हैव कंसीडर दिस कॉटन और दिस क्लोथ, ये प्रॉब्लम है। या फिर मान लीजिए कि आयरन से आपने कोई मशीनरी बना दी, तो आयरन कंसीडर करेंगे या फिर मशीनरी कंसीडर करेंगे? तो यहां पे डबल काउंटिंग का इश्यू रहेगा। अगर मान लीजिए कि आपने पूरे साल में 4 करोड़ रुपए का आयरन बनाया, प्रोडक्शन किया, और उसी आयरन से यूज करके कोई मशीनरी बनाई, अब मशीनरीज बना के आपके बेची और इन मशीनरीज की टोटल वैल्यू बनती है 6 करोड़ रुपए, तो अब होगा क्या, दिस सिक्स करोड़ इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ आयरन। ऑब्वियसली ये जो 6 करोड़ की वैल्यू है इसमें इसकी कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, फिर भी अगर आपने प्रोडक्शन मेथड के हिसाब से दोनों की वैल्यू कंसिडर करी तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, 10 करोड़। दिस इज द रॉन्ग, इट विल क्रिएट द इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। इस तरह से अगर हमने डेटा निकाला ना, तो दोस्तों होगा क्या, हमारे देश की इनकम ना शायद अमेरिका से भी ज्यादा हो सकती है या फिर टॉप पे पहुंच सकते हैं। सो जो कोई भी इकोनॉमिस्ट है जो कि ये सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, उन्होंने ये बताया कि ऐसे डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए, राइट? ये तो हमने सिर्फ स्टेज 1 स्टेज 2 की बात करी। अब इन मशीन्स को अगर मान लीजिए कोई हैवी मशीनरी या प्लांट में लगाए और प्लांट की भी वैल्यू अंदर इंक्लूड करे, तो इट विल बी काउंटेड 3 times, तो एक बार, दो बार और इसकी कॉस्ट तीसरे में जाएगी, तो 3 बार ये काउंटिंग होता जाएगा। तो मल्टीपल काउंटिंग अवॉइड तो करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट द डबल काउंटिंग। सो डबल काउंटिंग या मल्टीपल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता हमारे पास है, दैट इज व्हाट द फिनिश गुड्स, यानी कि फाइनल गुड्स जो आपके पास आएगा, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू आपको कंसिडर करनी है। ये रेमेडी है आपके लिए। सो दीज आर द 2 रेमेडीज ऑफ द डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। ये एक प्रॉब्लम है इस मेथड का, जिसकी 2 रेमेडी है, फिनिश गुड्स की सिर्फ वैल्यू काउंट करें, या फिर दूसरा वैल्यू एडेड मेथड, इस मेथड को यूज करें। अगर इस मेथड को यूज करेंगे तो शायद आप डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर फिनिश गुड्स में गए तो मशीनरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर प्लांट, इन दोनों चीजों को इंडिपेंडेंटली अगर हम यूज कर सकते हैं, तो मशीनरी एक्चुअली फिटेड इन अ प्लांट, बट कई बार मशीनरी इंडिविजुअली भी यूज होती है, तो क्या इनकी वैल्यू गिनेंगे, इसे फिनिश गुड्स कंसिडर करेंगे? या फिर अगर ये मशीन इस प्लांट में फिट होता है, इस प्लांट का यूसेज हो रहा है, तो इसे भी हमें फिनिश गुड्स में गिनना पड़ेगा, तो वहां पे भी शायद ये हो सकता है कि डबल काउंटिंग होने के चांसेस है। तो रेमेडी 1 और रेमेडी 2, यहाँ पे 2 रास्तों में से एक रास्ता हमारा ये है, तो दूसरा रास्ता हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड, राइट? अब यहां पे आपके पास एक एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, उस एग्जांपल को समझने का ट्राई करते हैं। उसमें ये बताया कि कॉटन से यार्न बनेगा, यार्न से क्लोथ बनेगा, जब कॉटन बना तो 100 रुपीज में बिका,
राइट, तो ये इसकी वैल्यू बनेगी। जब यान आपने प्रोड्यूस किया तो उसकी वैल्यू बन गई 200 रुपए, और अगर कपड़ा बना दिया, कॉटन क्लोथ बना दिया, तो उसका वैल्यू बनेगा 280। तो उस हिसाब से अगर जाएंगे तो 100 प्लस 200 प्लस 280, इन सबका टोटल करेंगे तो टोटल वैल्यू एडिशन कितना जाएगा, या फिर आपकी प्रोडक्शन मेथड में इनकम कितनी कंसिडर होगी ये। बट इट इज रॉन्ग मेथड, ये क्यों? इसका मतलब इसकी वैल्यू अगर 200 रुपए बनी है तो उसमें 100 रुपीज कॉटन का इंक्लूडेड है, तो डबल काउंटिंग हो चुका है। अगर मान लीजिए इसका 280 है तो उसमें 200 रुपए ऊपर के भी इंक्लूडेड है, तो ये भी डबल काउंटिंग हो गया, तो ये हम नहीं कर सकते। इसी वजह से हमने क्या किया, एक यहां पे देखिए ये जो पूरा पोर्शन है, इस पोर्शन के ऊपर फोकस कीजिए। कॉटन जो है नेचुरल प्रोडक्ट है, तो हमने उसका पूरा वैल्यू ले लिया। अब जब हमने यान की बात करी तो यान में देखिए 200 रुपए इसकी वैल्यू है, बट 100 रुपीज कॉटन के जो थे वो हमने डिडक्ट कर दिए, और इससे बना 100 का नेट वैल्यू एडिशन। नेट वैल्यू एडिशन इसका मतलब यान बनाने में 100 रुपीज तो कॉटन का लगता है, बट ऊपर से 100 रुपीज ज्यादा एफर्ट्स या ज्यादा रॉ मटेरियल वगैरह यूज होता है, तो ये वैल्यू एडिशन है। अब क्या होगा, जब क्लोथ बना तो 280 उसकी मार्केट वैल्यू बना ली हमने, बट इसके अंदर 200 रुपए इस चीज के इंक्लूडेड थे तो उसे भी हटा दिए, तो एक्चुअल वैल्यू एडिशन क्या बना, दैट इज व्हाट द 80 रुपीज। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 280 अगर हम जाएंगे तो इट विल बी प्रॉपर काउंटिंग ऑफ द प्रोडक्ट मेथड फॉर द सेक ऑफ नेशनल इनकम, राइट। सो बेस्ट वन रेमेडी अवेलेबल विच वी हैड इज व्हाट द वैल्यू एडेड मेथड। हालांकि अभी भी हमारे वेट सिस्टम थी जिसे अबोलिश करके जीएसटी इंक्लूड कर दिया है, बट इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, तो अभी हम उसे कंसिडर ही नहीं कर रहे, बट वैल्यू एडेड वो उसका एक पार्ट है। उसी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट किया है वैल्यू एडेड मेथड से टू अवॉइड द डबल काउंटिंग इफेक्ट। तो अब हमारे पास बाकी है, एक है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी। तो यहां पे क्या होता है, गुड्स की जो वैल्यू है, गुड्स की वैल्यू, इसमें टैक्स जो होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो गए, जो कि वैल्यू एडिशन एक्चुअली है नहीं, जो कि प्रोडक्शन की तो कोई वैल्यू है नहीं, ये हमारी इनकम से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टैक्स वसूला जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो इट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अ वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, तो इसे कंसिडर नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस या फिर मार्केट वैल्यू में से इसे माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स को। दूसरी चीज आपके पास है सब्सिडी, तो गवर्नमेंट सब्सिडीज जो होती है वो गवर्नमेंट सब्सिडीज गवर्नमेंट क्या करती है, इनको देती है, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट को देती है, जिसके कारण उनकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो अल्टीमेटली उनका एफर्ट्स तो लगता है, बट उनके एफर्ट्स का जो कंसिडरेशन जाना है, वो गवर्नमेंट के थ्रू ही जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आज आपका ये वीडियो लेक्चर ले रहा हूं, इस वीडियो लेक्चर की कॉस्ट बनती है 1000 रुपए, अगर मैं यूं ही मार्केट में बेचने जाऊं तो 1000 लगेगा, बट होगा क्या, ये 1000 मैं मेरे कस्टमर से कलेक्ट करूंगा। अगर मैंने इसे कस्टमर से कलेक्ट किया, इन दैट केस वैल्यू एडिशन में यानी कि प्रोडक्शन मेथड में मेरी सर्विस की वैल्यू कितनी जाएगी, 1000। बट होता क्या है कि यहां पे गवर्नमेंट ने मुझे ये बोला है कि अगर मौलिक भाई आप यहां पे ऐसे वीडियोस अपलोड किए जाओगे तो आपकी जो 50% वैल्यू है वो मैं सब्सिडाइज कर दूंगा, यानी कि 500 रुपए मुझे गवर्नमेंट देती है और मैं कस्टमर के पास से अब कितने पैसे लूंगा, 500 रुपए। तो अगर वैल्यू मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखे तो मैं सिर्फ 500 ही ऐड करवा पाऊंगा, यानी कि प्रोडक्शन मेथड में मेरी सर्विस की वैल्यू मार्केट वैल्यू क्या रहेगी, 500। बट व्हाट अबाउट दिस 500 व्हिच आई एम गेटिंग, मैं ये वीडियो लेक्चर की इनकम सब्सिडी के थ्रू 500 लेता हूं और कस्टमर के पास से सिर्फ 500 लेता हूं, राइट। अगर मुझे ये ना मिलता तो इसकी वैल्यू बन जाती 1000। सो दिस इज व्हाट द टोटल वैल्यू ऑफ माय सर्विस, राइट और नॉट, ओके। तो इसी वजह से यहां पे आपको ऐड करना है सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट। तो ये दो चीजें यहां पे आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप सब्सिडी या फिर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करोगे तो इनडायरेक्ट टैक्स को आपको डिडक्ट करना है, और साथ में ये जो सब्सिडी है, सब्सिडी को आपको क्या करना है, एड बैक करना है। दिस इज व्हाट द रीजन इन एग्जांपलरी मैनर। Now the next topic is resale value. देखिए, resale will be included in double counting.
अब देखिए इंड्यूस होता है, इंड्यूस्ड द डबल काउंटिंग। अब क्या होगा, मान लीजिए कि मैंने एक कार परचेस करी है हुंडई कंपनी से, इस कार की वैल्यू मैंने पे करी है ₹5 लाख। अब इस कार को मैंने चलाया, मान लीजिए कि 70-80 हजार किलोमीटर तक मैंने चला दिया, तो 80 हजार चलाने के बाद मैं इसे क्या कर रहा हूं, रीसेल कर रहा हूं, और रीसेल करने में मैंने यहां से ₹2 लाख रिकवर कर दिए। तो क्या ये 2 लाख मेरी प्रोडक्ट मेथड में या फिर प्रोडक्शन मेथड में इंक्लूड होने चाहिए? द आंसर इज नो, क्योंकि ऑलरेडी कार की पूरी वैल्यू 5 लाख जो है वो इंक्लूड हो चुकी है। सो वी शुड नॉट इंक्लूड अगेन द रीसेल प्राइस, ये याद रखना है, राइट? ओके, आगे दूसरी बात क्या है कि यहां पे लिखा है कि टू डिडक्ट डेप्रिसिएशन। तो कोई भी तरह का प्रोडक्शन करने में जो कोई भी कॉस्ट जाएगी या वैल्यू एडिशन होगा, इसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तो इंक्लूजन रहेगा, बट व्हाट अबाउट द कैपिटल कंपोनेंट? तो कैपिटल कंपोनेंट का प्रोपोर्शनेट या फिर फ्रैक्शन पार्ट डेप्रिसिएशन के तौर पे इंक्लूड होता है। तो इसीलिए यहां पे लिखा है कि डेप्रिसिएशन जो है उसे डिडक्ट करना चाहिए नेशनल इनकम के कंसिडरेशन में, जो कि आपने एनएमपी वगैरह में देख लिया है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट वैल्यू इज एडेड। अब होगा क्या, जब मान लीजिए कोई गुड्स यहां पे प्रोड्यूस हुआ और वो यूएसए एक्सपोर्ट होता है, सो डू वी हैव और डू वी कंसिडर दिस एज ए प्रोडक्शन ऑफ इंडिया? यस, द आंसर इज डेफिनेटली यस। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्शन कहां पे हुआ, ये तो दोस्तों इंडिया में हुआ है, उसका एक्सपोर्ट किया। तो अगर प्रोडक्ट वैल्यू के हिसाब से देखें तो ये जो कोई भी गुड्स या सर्विस इंडिया में प्रोड्यूस होती है और उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है, उनकी वैल्यू हमें कंसिडर करनी होगी। और लास्ट में बताया कि वैल्यू ऑफ इलीगल गुड्स, तो इलीगल गुड्स की वैल्यू हमें कंसिडर नहीं करनी है, क्योंकि इस मेथड में इलीगल वैल्यू से या फिर इलीगल गुड्स जो है या फिर स्मगल गुड्स है उनसे जो कंसिडरेशन मिलता है उन्हें इस पर्टिकुलर मेथड में कंसिडर नहीं किया गया। Okay, so this is all about the method, that is the production method, and which is based on the Alfred Marshall's definition, as well as these are the significant points which we have to keep in mind to understand the production method. Thank you.